बाल लंबे नहीं कर सकते, लगा नहीं सकते नहीं है, और, और पतला लगेगा मुलेट ट्रेंडी तो है लेकिन नाई को समझाने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसकी ब्यूटी है जब धीरे धीरे बाल पीछे को बढ़ते हैं मुलेट के नाम पे कोई साइड पे सी बनवा लेता है या कोई पीछे मुर्गी क्या नाम है आपका किशन 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 में क्या करते हो ऑटो चला जाओ यार गंदे हेयर स्टाइल देख देख के ना बहुत परेशान हो गया हूँ तो सोचा खुद का सलॉन क्यों ना खोल लू तो एक दिन के लिए खुद का सलोन खोला है पे देंगे हम फ्री हेयर हेयर कट कट से से लेके बियर्ड बियर्ड और और दिखाएंगे सिर्फ और से कितना फर्क पड़ता है इसीलिए हमने एक दिन के लिए पेड़ के नीचे की दुकान ली जहा पे कोई भी प्लग पॉइंट ड्रायर जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में लाइट फैंसी कपड़े होते हैं वो कुछ भी नहीं था प्योरली हेयर कट और आइए देखते हैं सिर्फ हेयर कट से कितना फर्क पड़ता है अब भाई है मैं स्टूडेंट बाल लंबे नहीं कर सकते प्रोडक्ट लगा नहीं सकते बियर्ड पूरी आती नहीं है और डस्की कॉम्प्लेक्शन अब व्यूअर्स बोलेंगे ये तो अस मोवमेंट हो गया ब्रो ऑनलाइन मॉडल्स की जो बाल होते हैं वैसा टेक्सचर कभी रियल लाइफ में नहीं आ पाता क्योंकि हम समझा नहीं पाते इक्वल लेंथ के बाल जब भी कटवाएंगे वो फ्लैट ही गिरेंगे इसलिए अन ईवन मतलब हल्का सा लेंथ के अंदर फर्क रहेगा तो नेचुरल में से टेक्चर आएगा डस्की कॉम्प्लेक्शन है तो फेड का फायदा उठाओ ना डेढ़ या दो नंबर पे कराओगे तो सिर्फ नाम का फेड लगेगा डीप फेड यानी पॉइंट फाइव नंबर पे कराओगे तो स्किन कलर से कौन बनेगा एंड सूट करेगा के पे और अपर बियर्ड पे हमेशा उस बाउंड्री से कॉन्ट्रास्ट और बनेगा दाढ़ी ऑलरेडी लंबी थी इसलिए पैच ज्यादा दिख रहा था अगर बिल्कुल छोटी करा लेंगे तो वो पैच और बड़ा दिखेगा इसीलिए डेढ़ नंबर विच इज ए मीडियम लेंथ जिससे वो पैच मर्ज हो जाए और नीचे की लेंथ लंबी रखेंगे तो फेस सर्कल की जगह ओवर लगेगा एंड बस कट पे कॉम्प्लीमेंट करेगा

जाऊं चुन्नू गोली मुलेट ट्रेंडी तो है लेकिन नाई को समझाने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसकी ब्यूटी है जब धीरे धीरे बाल पीछे को बढ़ते हैं मुलेट के नाम पे कोई साइड पे सी बनवा लेता है या कोई पीछे मुर्गी फेड़ कान के मिड तक रहता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली पीछे को बाल बढ़ते हैं जिससे फेडेड साइड एंड लॉन्ग बैक का बैलेंस बनता है 90% लोग साइड पे फेड़ करा के पीछे के बाल लंबे छोड़ देते हैं जो मुलेट कम मुर्गी का घोसला ज्यादा लगता है अगर बालों का टेक्सचर थिक है तो पीछे टीच सीजर चलवाए अगर हल्का है तो उसको अनइवन ईवन कटवाए जिससे बैक में भी लुक लुका ऊपर के बालों की लेंथ कम नहीं करी क्योंकि फीचर ज्यादा बड़े हैं एंड अगर बाल छोटे करे तो वो और फोकस लेके जाएंगे ऊपर से एस के और बियड के आर के नहीं मॉडर्न टच देने के लिए अपर बियड को हमने पॉइंट नंबर में फेड करा और सेंटर को रखा है भैया को हमारा चश्मा पसंद आया और हमने हल्का सा टेक्सचर पाउडर लगाया नेचर ऑफ जॉब के कारण स्किन बहुत ऑयली एंड पिगमेंटेशन हो चुकी है दैट इज वाई आई सजेस्टेड हिम अ बजट फेस वॉश जो दोनों प्रॉब्लम को टारगेट करेगा नॉर्मल फेस वॉश सिर्फ ऑयल से राहत दिलाता है ये ऑयल एंड एक्ने एक्नेरिटीज क्योंकि इसमें एक परसेंट कोजिकसेंट नियमाइड है वो स्पॉट्स को भी रिड्यूस कराता है। So, आप डेफिनेटली इनको अपने स्किन केयर में कर सकते हैं जिनका लिंक मैं नीचे दे दूँ मैं कह रहा हूं, आपकी बिल्कुल बेस्ट कटिंग है और एकदम नंबर वन और हेयर कट ऐसा किया है आप लोगों ने कि बिल्कुल मजा आ जाए बिल्कुल वंडरफुल मैंने जबरदस्ती तो नहीं बुलवाया नहीं 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 जबरदस्ती का आपका काम ही नहीं है मैं क्या लगाता हूँ इनका है बहुत है है अगर इनको फेड देंगे तो फेस और पतला लगेगा इसलिए साइड्स दो इंच की लेंथ रखी जिससे कान के बीच का जो गैप है वो भरे और अपर पोर्शन हैवी दिखे इनके बालों का टेक्सचर पतला है बहुत लोगों को मेसी या टेक्सर्ड वॉल्यूम पसंद है वो अपने बालों के एजिस पे इस तरीके से रेजर लगवाए जो नही के बाय हाथ का खेल है वर्सेस इज सिर सीजर जो बालों को फ्लैट गिराएगा सिर्फ रेजर से ही बालों के एजिस का एक एंगल बनता है जो हम ऑनलाइन हेयर स्टाइल देखते हैं जिसके अंदर बालों की लेयर्स अलग से दिखती है वो पॉसिबल हो पाता है और रेजर से बाल छिलते हैं जिससे बालों में वॉल्यूम आता है पीछे की लेंथ आगे से शॉर्ट रखी जिससे बालों में ओवरऑल फ्रंट टू बैक वॉल्यूम मिले पतले फेस में ज्यादा वॉल्यूम स्टैंडिंग टेक्सचर दोगे तो फेस और पतला लगेगा इसीलिए साइड वॉल्यूम पार्टिंग जिसमें फ्रंट में फ्लिक्स रहेंगे और बैक शॉर्ट दी जो मैसी दिखे मैं पत्थर मार्केट में जो छोटा बच्चा होता है जिसको आप टाटा इस बोलते हैं और बुलेरो जीप मैं वो चलाता हूँ बाल चले जाना मतलब वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंच के बाहर निकल आना हेयर लॉस फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे हो तो क्योर हो सकता है या हेयर स्टाइल से कवर अप भी हो सकता है बट इस स्टेज पे बाल रखना मतलब अपनी वीकनेस को और हाईलाइट करना जैसे वीक लेग्स है तो कार्गो या स्ट्रेट फिट पहन लो चबी हो तो प्रिंट एंड कलर्स का ध्यान रखो स्मॉल आइट है तो प्रपोर्शन का और उसी तरीके से या तो आप अपनी कमी को दिखाओ या उसको अच्छे से कैरी कर जाओ जैसे भी डीजल है या है अब आप बोलोगे उनकी तो बॉडी है चलो रघु है या ये है और ये कितना भी हेयर लॉस हो जाए साइड के बाल कहीं नहीं जाते इसीलिए जब भी बॉर्ड स्टाइल करे जो साइड में शेडो पैच कुछ दिनों बाद बन जाता है वो आपको स्टाइल के जोन से हेयर लॉस के जोन में वापस ले जाता है तो सात से दस दिन बाद यू हैव टू रिपीट द साइकिल क्योंकि ऊपर बाल नहीं है साइड बन को हमेशा हल्का फेड से स्टार्ट करे वर्सेज शार्प कट देंगे तो वो बियर्ड में बहुत आर्टिफिशियल और एक बियर्ड कॉर्नर बना देगा बॉर्ड फेस पे शार्प ज्वाला जाती है जिसके लिए आपको एल शेप बियर्ड चूज करनी है बेसिकली आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा जॉ से एक इंच नीचे आपका सी बनेगा जैसे हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में स्किन के लिए होम रेमेडी देते हैं वो हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाती इनकी स्किन की बात करें इनकी स्किन पे स्पॉट्स है इवन एट दिस एज हमने उनको फास्टेस्ट तरीका बताया टू फीड अवे द स्पॉट विच इज अ सिरम बहुत तरीके के आते हैं वाइटामिन सी सैलिसिलिक एसिड लेकिन कौन सा है जो पिगमेंटेशन एंड स्पॉट्स पे टारगेट करता है कोजिक एसिड सिरम एंड कोचिकॉपटीज मेलेरियन को ज्यादा नहीं होनी रहती है, है जो एक एंटी होने के साथ साथ स्किन को ब्राइटन करता है एंड स्किन को स्मूथ दिखा एंड ऑल्सो नियर सिरमाइट जो स्किन को क्लियर रखने में हेल्प करता है एंड दूबह आने के बाद एंड सोने से पहले जेंटली अप्लाई करता क्या नाम है आपका किशन किशन किचन में क्या करते हो ऑटो चला दो। जाओ भाई की कंप्लेन है कि पूरी बियर्ड आती नहीं और बीच की मांग जाती नहीं जिनका भी फेस स्ट्रक्चर शार्प होता है या थोड़े से एजेस या बोन्स विजिबल होते हैं उनको हमेशा कर्वी स्टाइल रखना चाहिए जो बैलेंस बनाए जैसे की साइड पार्ट वॉल्यूम और स्लीक बैग हमारी जनरेशन के लिए स्लीक बैग कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो जाता है इसलिए साइड में हाफ नंबर पे डीप फेड दिया जो कि कॉम्पलेक्शन के साथ कॉन्ट्रास्ट बनाएगा और पीछे हमने लॉन्ग बुलेट छोड़ा जो एक मॉडर्न ट्विस्ट देगा क्योंकि बियर्ड बहुत पैची है इसलिए साइड के छोटे छोटे बालों को हमने हटाया क्योंकि बालों में है रॉयल लुक इसलिए बियर्ड के लिए हमने उनके फेशियल हेयर का फायदा उठाया क्योंकि इनकी मूचो के बाल सॉफ्ट है तो वो इजीली मुड़ जाते हैं इसलिए हमने उनको हैंडल बार स्टाइल दिया और गोटी को हमने लम्बा रखवाया विच इज कॉल्ड अ वैंग डायक स्टाइल बिकॉज ऑफ दैट लेंदी प्रोसेस सभी को ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है लेकिन करेक्ट हेयर कट देना इज क्वेकर एंड पॉसिबल इसीलिए टेन लकी यूनिट पे बनेगा इसका पार्ट टू जो डालेंगे गवर्नमेंट में अपना नाम एज और सिटी सो so, जो भी मैंने प्रोडक्ट बताए थे कोजिक एसिड सिरम फेस वॉश एंड द सनस्क्रीन उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है गुड फॉर्मल ट्वेंटी ऑफ भी मिलेगा और हाँ दोस्तों वो फ्लिपकार्ट नायका और पर्पल पे भी अवेलेबल है और हाँ दोस्तों डेमाको एज अ पॉवर ट्वेंटी थाउजेंड प्लस स्टूडेंट दिस ईयर विद यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे लिंक यू ऑर्डर टू अ चाइल्ड दे हेल्प टू एडुकेट अलॉन्ग विद भूमि और हाँ उनके सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री है सो अगर आपको वीडियो में मजा आया तो कमेंट करने से पता है आपको क्या होगा और लाइक like, शेयर भी मत करना भूलना इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो या फेसबुक पे बट करना जरूर